हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। कल जो जबरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला था, 288 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट बंद हुआ था, लेकिन आज 225 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं कल के जो लेवल्स हमने मार्क किए थे। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी में जैसे ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट अचीव हुआ। एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास आप देख सकते हो इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, और इसी रेंज में ब्रेकडाउन लेवल और सेकेंड टारगेट के रेंज में ये पूरा दिन ट्रेड हो रहा था। तो कल के बाउंस बैक के बाद मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया उधर, और यहाँ पर 225 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो अभी जो महाराष्ट्र सरकार का जो ड्रामा यहाँ पर चल रहा है वो अगर देखें तो उससे कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अभी अनस्टेबल है। पता नहीं ये गवर्नमेंट जाएगी या रहेगी, नई गवर्नमेंट आएगी या नहीं। तो इसके वजह से अनस्टेबल होने के कारण इसका काफ़ी असर कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर गिरता है। तो इस वजह से भी हो सकता है मार्केट में आज ये ज़बरदस्त एक बाउंस बैक के बाद एक गिरावट देखने को मिली। अभी निफ्टी का आज का चार्ट देखे तो कल जो हमने लेवल्स मार्क किए थे आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट के पास ही एग्जैक्ट ओपन हुआ, यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ ये कंटिन्यूज आज पूरे दिन ट्रेड हो रहा था। तो जो लेवल्स मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि ब्रेकडाउन लेवल के नीचे फर्स्ट टारगेट के पास ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ। अभी कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर एक क्लिक करना है, तो ये वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको आपका नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है तो। और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। तो एक छोटा सा इंट्रो था। अभी चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जो दोजी पैटर्न बने थे तभी हम बात कर रहे थे कि जब जब दोजी बनता है तब एक यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो वैसे ही डोजी बनने के बाद एक बाउंस बैक तो आया, क्योंकि यहाँ पर RSI भी देखे तो ये 0 to 30 ओवरसोल्ड जोन में पहुँच चुका था। तो ये सिग्नल्स होते हैं कि भाई यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट कब होगा, जब ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगेगा। अभी जो पैटर्न देख रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न है। तो डाउन ट्रेंड के पैटर्न में जब भी बाउंस बैक आता है वो सस्टेन नहीं हो पाता है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड होता है, क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशन है वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और तभी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो आज ये फिर से एक बार रेड कैंडल बनाया, और इसने लो, प्रीवियस जो कैंडल था ग्रीन कैंडल, इसके लो के नीचे क्लोज दिया है। तो हो सकता है कल भी हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिले। हालांकि अगर वीकली चार्ट को देखें, ये वीकली चार्ट है, यानी एक कैंडल एक वीक का हाई लो क्लोज ओपन हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो ये अभी फिलहाल सपोर्ट के पास है, जहाँ पर 100 SMA है, 100 वीक का सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये जो ग्रे लाइन है इसके ऊपर क्लोज देना काफ़ी ज़रूरी है, तब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, तो वेट करना पड़ेगा कि क्लोज कहाँ पर देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। 60 मिनट का ये चार्ट है। अभी कल के लिए निफ्टी इंडेक्स का ब्रेकडाउन लेवल जो होगा अराउंड 15,377, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर ग्रैप गैप क्रिएट हुआ था एक दिन पहले, तो ये जस्ट फुलफिल हो चुका है, और यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने आज सपोर्ट टेस्ट किया निफ्टी ने, और यहाँ से फिर एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला। तो ये कल सपोर्ट हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 15,377, और इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,351, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,318, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा।
ऊपर की तरफ आता है तो पहला जो हर्डल है ये पिंक लाइन 20 MA का, ये ब्रेक होने दे कम्प्लीटली जस्ट इसके अबाउट 15,490, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा 15,518 और सेकेंड टारगेट होगा 15,546, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल, आज का जो लोएस्ट लेवल है उसके जस्ट नीचे 32,753, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। उसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा, एक सेकेंड उसको 60 मिनट की चार्ट पर कन्वर्ट कर दें, और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 32,650 और सेकेंड टारगेट होगा 32,530, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आता है तो जस्ट 20 EMA के ऊपर यानी 33,022, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा 33,117 और सेकेंड टारगेट बनेगा ये 50 EMA का ब्लू लाइन जो कि 33,218 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।